देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटना अपडेट, देखते रहें पटना अपडेट। बिहार पुलिस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी के निजी होटल में जनपद न्यूज पोर्टल का 7वां वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया। वार्षिकोत्सव समारोह का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में राजधानी के कई गणमान्य लोगों को गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यूज के प्रबंध संपादक राजीव रंजन ने पत्रकारों और न्यूज चैनल से आम जनता की खबरें सम्मानित किया। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा, एक से एक नए आयाम स्थापित करते गए। राजीव रंजन, प्रबंध संपादक, जनपद। देखिए, एक आज के कार्यक्रम जो है, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि हमने 7 साल हमने कंप्लीट कर लिया, 7 साल हमने पूरा कर लिया। और सारे लोगों को हमने, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे पत्रकारिता से जुड़े हों, चाहे जो भी हों, क्योंकि आज के समय में जो सोशल साइट की अगर हम बात करें, जो कि पोर्टल की बात करें, बहुत से लोग हों, लेकिन कम से कम मैं ये चाहूँगा कि जो भी वास्तविकता हो, जो भी गांव की समस्याएं हों और ख़ासकर कस्बे की समस्याएं हों, तो मैं चाहूँगा कि उन तक जो है, जो हमारा जो काम है, वी आर इन्फॉर्म, वी आर नॉट इन्फॉर्म, हमारा जो मीडिया का जो काम है वो जनता की आवाज़ जो भी है वो सरकार तक पहुँचाना है। हम लोग माध्यम हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग का भी काफ़ी सहयोग मिला। सारे मैं मीडिया बंधु को भी मैं बधाई देना चाह रहा हूँ और सारे लोग से मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जो दबे हुए लोग हैं, जहाँ तक लोग नहीं जा रहे हैं, कम से कम गांव में, कस्बों में जाके रोड का निरीक्षण, समस्याएं, जनता की समस्याएं, लोग की समस्याएं को उजागर करने का निश्चित तौर पे वो काम करें और सरकार तक पहुँचाने का काम करें, जो कि हम लोग का माध्यम है।